जामुल थाना पुलिस ने मंगलवार रात मुखबिर की सूचना पर छावनी बस्ती में छापामार कार्रवाई करते हुए 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पुलिस ने 70,000 नकद बरामद किए। जुआरियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। दीपावली का पर्व नजदीक आते ही जुआ खेलने वालों और खिलाने वालों की तादाद लगातार बढ़ते जा रही है। जामुल थाना क्षेत्र में हो रहे जुए के कारोबार को पूरी तरह से बंद करने जामुल पुलिस ने कमर कस ली है और मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया गया है। इसी के तहत मंगलवार दशहरे की रात जामुल पुलिस को छावनी बस्ती के बीच जुआ खिलाए जाने की जानकारी मुखबिर से प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही जामुल थाना प्रभारी केशव कोसले ने जामुल थाने के सहायक उप निरीक्षक इमानुएल खलको को पुलिस टीम के साथ मौके पर रवाना किया। यहाँ कार्रवाई करते हुए 10 जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 70,000 रुपए के साथ ताश पत्ती को जब्त किया गया। कार्रवाई की जानकारी जामुल थाना प्रभारी केशव कोसले ने दी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा क्षेत्र में लगातार पेट्रोलिंग कर अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त होने पर जामुल थाना को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुआ कि छावनी बस्ती किशन दास के घर के पास आम गली पर जुआड़ी लोग जुआ खेल रहे हैं, जिस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 जुआड़ी को गिरफ्तार किया गया, जिससे 70,000 रुपया जब्ती की गई है तथा इनको छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की गई है। अभी तो सूचना नहीं आ रही है, सूचना आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी और क्षेत्र में इस प्रकार के गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि जामुल थाना प्रभारी केशवराम कोसले के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से ही जामुल थाने में जुआ सट्टा और अवैध शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग चुका है। इस अवैध कार्य में संलिप्त लोगों पर लगातार कार्रवाई जामुल पुलिस द्वारा की जा रही है। जामुल थाना प्रभारी ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन में अवैध कारोबार में संलिप्त लोगों पर निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।